नमस्कार प्यारे बच्चों, ठीक है सर जी? खाली तो लोग बोलते हैं हाँ सर ठीक है, लेकिन काम नहीं करते हो। अगर दो तीन बच्चे हैं तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, अपना समय से लोग भेजते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनका मन भी नहीं, इधर है कि नहीं है वो, बराबर रहकर भी नहीं काम कर पा रहे हैं, मोबाइल सभी लोग देखते घर पे, ऐसा घर नहीं जहाँ मोबाइल ना हो बड़ा बड़ा, तो सब लोग देखते हो लेकिन वो काम नहीं करते हो, बराबर। बहुत सारे मोबाइल में जो है वीडियो आप लोग देखते हो, बहुत सारे पिक्चर देखते हो, लेकिन अपना काम करना चाहिए ना। जहाँ हमको मेरा लाभ है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, वह काम करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जब पढ़ के आगे बढ़ोगे बहुत सारे मोबाइल मिलेंगे, लेकिन अभी जब मोबाइल देखने लगे और पढ़ना बंद कर दीजिए तो आने वाले समय में मोबाइल भी बंद हो जाएगा, बराबर। इसके लिए आप सभी लोग काम कीजिए। आपको भूगोल में 3 पार्ट पढ़ा दिया हूँ मैं, और चौथा पार्ट चल रहा है, उसके 2 भाग बता दिए गए हैं, बराबर। 2 भाग आप लोगों को बता दिए, महाद्वीपी मंग तट क्या होता है, महाद्वीपी ढाल क्या है, सागरी मैदान किसे कहते हैं, जलमग्न पर्वत श्रेणी क्या है, पठार द्वीप खाई और सागरी गर्त को बता दिया गया, बराबर। तो आज हम लोग जो है यह देखेंगे कि महाद्वीपी मंग तट जो बताया गया बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समुद्र का, जहाँ बड़े पैमाने पर वनस्पतियाँ पाई जाती है ना, क्योंकि समुद्र से 200 मीटर का आ रहा है महाद्वीप से जो है, तो वहाँ पर सूर्य किरणें जहाँ तक पहुँचती हैं प्यारे बच्चों समुद्र के अंदर, वहाँ तक काई प्लवर सेवार जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती है ना। वो वनस्पतियाँ क्या होती हैं, मछली खाद होती हैं, तो मछली समुद्र में वहीं जाती हैं जहाँ उनको भोजन मिलेगा। वह स्थान कौन सा है, महाद्वीपी मग्न तट, समुद्र में डूबा हुआ, मग्न माने क्या है, डूबा हुआ है पानी में। तो बड़े पैमाने पर मछली जब इकट्ठा होती है तो वहीं उसको ढूंढ करके लोग बड़े पैमाने पर करते हैं व्यवसाय करते हैं, और उसी क्षेत्र में उनको क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है, प्राकृतिक गैस उनको मिलती है, बराबर। जैसे हम बताया आप लोगों को मुंबई हाई जो अरब सागर में है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर खनिज तेल मिलता है हमको, क्यों, क्योंकि वह महाद्वीपी मंग तट है। प्राकृतिक गैस खनिज तेल की जो आवश्यकता बहुत अधिक है, देश की जनसंख्या 121 करोड़ है ना 2011 गणना के अनुसार, अभी गणना होगी जनसंख्या कितना है तो मालूम पड़े ना, लेकिन जो है जितने साधन है और जनसंख्या है इससे हमको खनिज तेल की प्राप्ति नहीं हो पाती पूर्व, इसलिए हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, ईरान इराक सऊदी अरब से। आज हम जो है इस भाग 3 में देखेंगे क्या जगह है बच्चों, आइए देखते हैं पैट पर। महासागरी नितल का अध्ययन मानव के लिए महत्वपूर्ण है, बराबर। क्यों है, पर्वत पांड दिया है, महासागरी नितल में बड़े पैमाने पर खनिज तत्व चट्टानों तथा मिट्टी के अवशेष कण पाए जाते हैं। महासागरी नितल में बड़े पैमाने पर खनिज तत्व मिट्टी के अवशेष कण जो है पाए जाते हैं, पहला पॉइंट है, बराबर। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि सागरी महासागरी नितल में बड़े पैमाने पर प्राणियों तथा वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। अवशेष माने क्या होता है, बचा हुआ, जैसे पानी कभी कभी मर जाता है या वनस्पतियां, कोई पेड़ गिर जाता है प्यारे बच्चों, पेड़ की लकड़ी को लोग काट लेते हैं लेके जाते हैं घर पे, लेकिन उसके जड़ के नीचे भी कुछ अवशेष रह जाते हैं, और वह अवशेष धीरे धीरे क्या होते हैं, सड़ते हैं, सड़ने के बाद कहाँ मिल जाते हो, मिट्टी मिल जाते हैं, या पानी की बरसात बह करके समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, बराबर। ऐसे प्राणियों का हाल है, प्राणी मर जाता है कहीं पर, कोई उसको नहीं पूछने वाला है, उसके अवशेष बचे रहते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन कुछ अवशेष जो है बचे रहते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, बराबर। तीसरा है खनिज संपदा, प्राणी संपदा, वनस्पतियां, ज्वालामुखी विस्फोट आदि का अध्ययन मानव के लिए उपयुक्त है। महासागरी नितल जो है यहाँ पर खनिज संपदा भी है, ज्वालामुखी का विस्फोट है, वनस्पतियां हैं, प्राणी संपदा आज जो है मनुष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह अध्ययन जो है मनुष्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, क्योंकि जो महाद्वीपी मंग तट है, सागर में बहुत सारे जो है पदार्थ हैं, सागर से बहुत कुछ मिलता है, बराबर, चाहे वो खनिज तेल हो चाहे प्राकृतिक गैस हो, बराबर। तो यह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन मनुष्य उसका जो दुरुपयोग करता है,
जितने भी जो है पदार्थ है, अशिष्ट पदार्थ, बच्चे पदार्थ, सब लोग कहाँ डाल देते हैं? सागर में। बराबर, बड़ी बड़ी कंपनी चलती है, उसका जो खराब पानी निकल कहाँ जा रहा है? समुद्र जाता है। नदी और नाला गंदा पानी कहाँ पहुंचता है? समुद्र। प्यारे बच्चों, इससे क्या होता है कि समुद्र का पानी जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है। जैसे हम लोग भी गंदा पानी पिए, एक ही दिन पीड़ा चालू हो जाएगा ना, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी शरीर में। तो उसी प्रकार समुद्र के अंदर जो सजीव है, मछलियां हैं, बड़े पैमाने पर आती है, तो उनको नुकसान पहुंचता है, इससे पहुंचता नहीं पहुंचता है। इसलिए हमको समुद्र की रक्षा करनी चाहिए, उसके तट को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। हम लोग जाते हैं समुद्र किनारे, बैठते हैं समुद्र के तट के पास, देखते हैं, यह प्राकृतिक रचना है ना, ये तो प्राकृतिक बनावट है। ऐसा तो नहीं कोई समुद्र को बनाया हो, कोई खोदा भाई मैं बनाया सागर को, ये प्रकृति पदार्थ है। हवा पानी ये सब क्या है? प्रकृति पदार्थ है, इसके हमको कोई मूल नहीं देना पड़ता है, देना पड़ता है। प्राकृतिक गैस हम लोग बनाते हैं ना, LPG जो जिससे खाना बनता है, उसके हम लोग क्या देते हैं? पैसा देते हैं। लेकिन हवा पानी जो सागर की चीजें हैं, इनको हम लोग कुछ नहीं देते हैं। प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट है कि महासागरी नितल का अध्ययन, दूसरा है महाद्वीपी मग तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? महाद्वीपी जो मग तट है वो मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा स्थान क्यों माना गया है? यहाँ दो तीन पॉइंट आप लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इस तट का भाग उथला है, इसके कारण सूर्य के किरणें यहाँ तक पहुंचती है। माने यह तट जो है उथला, माने उठा हुआ है, और उठा हुआ है 200 मीटर केवल गहरा है, तो वहां आराम से सूर्य किरणें क्या हो जाती है? पहुंच जाती है, क्योंकि बसपति में भोजन कहाँ मिलता है? सूर्य की ऊर्जा से। सूर्य किरणें से क्या मिलता है बसपतियाँ? बसपतियाँ किसका खाद्य है? सजीव खाद्य है। नंबर दो पॉइंट क्या दिया है बच्चों? इस तट पर काई प्लवक आज बड़े पैमाने पर उत्पन्न होते हैं, और काई और प्लवक मछलियों के खाद हैं। भूखंड के भाग में बड़े पैमाने पर मछलियों का प्रजनन होता है। तो यहाँ मछलियां जो है उनका भोजन वही है जो वनस्पतियां हैं। मछलियां बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती है भूखंड पर, और मछलियों का प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रजनन होता है, उनकी प्रजातियां बढ़ती है। 10 मछलियां हैं तो उनकी प्रजाति बढ़कर जो है सैकड़ों हो जाती है, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती जाती है, उनका प्रजनन होता है। और इसी कारण जो है बड़े पैमाने पर वह जो है महाद्वीपी मग तट पर पकड़ी जाती है। आप समुद्र में कहीं जाओगे विश्व कोने पर, तो मछली वहीं मिलेगी जहां महाद्वीपी मग तट है। जो बड़ी मछली होती है वो गहरे सागर मिलती है, उनका शिकार लोग नहीं करते हैं, छोटी मछली लोग शिकार करते हैं। बराबर, तो ये जो है दो मेन पॉइंट आप यहाँ दिए गए हैं कि महासागरी नितल का अध्ययन मानव के लिए उत्तम है, दूसरा है महाद्वीपी मग तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। भौगोलिक कारण क्या है? क्या है भौगोलिक कारण? तीसरा दिया है कुछ सागरी द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। कुछ सागरी द्वीप पर्वत क्या होते हैं? श्रेणियों के शिखर होते हैं। जिससे बताया आप लोगों को, कुछ सागरी द्वीप पर्वत का कुछ हिस्सा जो सागर के ऊपर दिखाई पड़ता है, बराबर, उसको सागरी द्वीप कहा जाता है। जैसे अंदमान निकोबार द्वीप है बंगाल खाड़ी में, तो सागर का जो पर्वत श्रेणियों का हिस्सा उड़ गया है और दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उसको सागरी द्वीप कहा जाता है। द्वीप किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? पृथ्वी का वह छोटा सा छोटा भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। बराबर, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, ये बंगाल खाड़ी में, इसके चारों तरफ क्या है? जल है, बीच में उठा हुआ हिस्सा है। ध्यान देखते हैं क्या जगह है। कुछ स्थानों पर सागरी पर्वत श्रेणियों के शिखर समुद्र की सतह से ऊपर होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्र सतह से ऊपर होते हैं। ऐसे स्थानों पर ऐसी भू आकृति तैयार होती है जिसके चारों ओर पानी होता है, बराबर, और ऐसी भू आकृति को सागरी द्वीप कहते हैं। और इस प्रकार कुछ सागरी द्वीप पर्वत श्रेणियों क्या होते हैं? शिखर होते हैं। बराबर, जो पर्वत शिखर होता है, जो श्रेणियां हैं, कुछ तो जलमग्न पर्वत श्रेणी है और कुछ पर्वत श्रेणी समुद्र के बाहर दिखाई पड़ती है। हम लोग कभी समुद्र पर जाते हैं, देखते हैं दूर दूर जो है वो पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ती, उठी हुई होती है, और कुछ पर्वत श्रेणी जो है समुद्र के अंदर आ जाती है। ये इनका उद्गार होता है क्यों?
ज्वालामुखी कारण जो बड़ा गर्त है, जो मर्यादा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है ना, तो वहां उस गर्त में जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है। बराबर, कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी पर होता है और कभी कभी क्या होता है समुद्र के नीचे होता है बच्चों। बराबर, तो ये उसके शिखर माने जाते हैं। बराबर, एक बार फिर देख लो, कुछ स्थानों पर सागरी पर्वत श्रेणियों के शिखर समुद्र की सतह से ऊपर होते हैं। क्या होते हैं? समुद्र सतह के ऊपर होते हैं। ऐसे स्थानों पर ऐसी भू आकृति तैयार होती है जिसके चारों ओर पानी होता है। क्या होता है? चारों ओर पानी होता है, और ऐसी भू आकृति को सागरी द्वीप कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है। बराबर, इस प्रकार कुछ सागरी द्वीप पर्वत श्रेणियों क्या हो जाते हैं? शिखर हो जाते हैं। वही उनका क्या हो गया? शिखर हो जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप क्या, वही क्या है? वो शिखर है, क्योंकि उसका अधिकांश शिक्षा कहाँ है? बंगाल खाड़ी में है। बराबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बराबर, इंदिरा पॉइंट आप लोग नाम सुने होंगे, जो हमारे देश का सबसे दक्षिणोत्तर बिंदु है, उसके बाद हमारी सीमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट क्या जगह है? महाद्वीपी ढाल महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। जैसे आप लोग यहाँ चार्ट के माध्यम से लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो महाद्वीपी मगर तट देखिए, ये सागर का स्वरूप है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये ऊंचा है, ऐसे सब दिया गया यहाँ पर ना, लेकिन इसके ना इसकी ऊंचाई दी गई यहाँ पर, ठीक है ना, 1000-2000। बराबर, तो इसके नीचे देखिए प्यारे बच्चों, जो सेकंड आकृति है वह दिया है महाद्वीपी तट, यही महाद्वीपी तट है। बराबर, जो महाद्वीप सटा हुआ है, समुद्र के लेकिन अंदर है, जलमग्न है, और ये महाद्वीपी जलमग्न सीमा है। और इसके बाद देखिए ढाल शुरू होता है। क्या शुरू होता है? ढाल, महाद्वीपी मध्य तट की सीमा समाप्त होने के बाद महाद्वीपी ढाल की शुरुआत होती है। देख लीजिए यहाँ लिखा गया महाद्वीपी ढाल। बराबर, ये 2000 मीटर से 4000 मीटर का दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर सागरी द्वीप दिखाई दे रहे, देख रहे हैं, ये उठा हुआ, जैसे अंदमान निकोबार द्वीप बताया मैंने, तो सागरी द्वीप है, ये उठा हुआ है, बाकी हिस्सा पानी में इसके है। कहाँ पर है ये? बाकी हिस्सा जो है पानी में, बाकी यह जो है उठा हुआ है। तो ये महाद्वीपी ढाल के शुरू हो जाता है कहां पर? महामगर तट के बाद। क्या शुरू होता है? महाद्वीपी ढाल। तो आप लोग देखिए ये समुद्र की आकृति है, क्या है? पूरी समुद्र की आकृति दी गई है। तो यहां दिया गया है महाद्वीपी ढाल महाद्वीपों की सीमा मानी जाती है। महाद्वीप ढाल के बाद जो मैदान शुरू होता है महाद्वीप होता है, वहीं से महाद्वीप की सीमा मान ली जाती है। आप लोग बताया गया है कि जो है महाद्वीप कितने हैं? मालूम नहीं? मालूम है, 7 महाद्वीप है ना, मालूम है? लिख देता हूं, आप लोग नहीं मालूम है तो ये देखिए यहां लिखता हूं मैं, एक एशिया, क्या है? बराबर, दूसरा आप लोग यूरोप, तीसरा अफ्रीका, क्या बच्चों? अफ्रीका। चौथा क्या है? उत्तरी अमेरिका, क्या है? बराबर, अब पांचवा यहां लिख देते हैं, दक्षिण अमेरिका, क्या है? दक्षिण है, दक्षिण है अमेरिका। बराबर, छठवां क्या है? ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। बराबर, ये जो है 6 महाद्वीप है। सातवां क्या है? अंटार्कटिका, क्या है? क्या है? अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप, कितने महाद्वीप? बिल्कुल 7 महाद्वीप है प्यारे बच्चों, कितने महत्वपूर्ण है? 7। इसको हम लोग क्या रखेंगे? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, तीनों जो है सटे हुए महाद्वीप हैं। उसके बाद अटलांटिक महासागर आएगा, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, फिर इनके दक्षिण जाएगा हिंद महासागर, उसके बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे अंत में क्या आता है? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो पूरा हिमालय से बर्फ से जो है ढका हुआ है। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, समुद्र तट के विषय में जानकारी लिखो। 12.1 समुद्र तट का निर्धारण तट पर ज्वार के अधिकतम स्तर एवं भाटे के न्यूनतम स्तर के औसत द्वारा किया जाता है। समुद्र तट का निर्धारण कैसे होता है? जब ज्वार भाटा आता है,
ज्वार भाटा क्यों होता है समुद्र में आप लोग बताएंगे, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण आकर्षण कारण जो है ज्वार होता है। जब समुद्र का पानी एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ता है और जहां जाकर के किसी स्थान रुकता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वार। और जब समुद्र का पानी अपने निश्चित स्थान से नीचे जाता है और जहां जाके रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाटा। तो दोनों की अधिकतम और न्यूनतम जो दूरी होती है उसको जो है वही समुद्र का क्या होता है प्यारे बच्चों, स्तर होता है। वही औसत द्वारा, न्यूनतम स्तर के औसत द्वारा किया जाता है। दूसरा है समुद्र की औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है जो है। और तीसरा दिया है इस ऊंचाई से अधिक ऊंचे स्थानों की ऊंचाई धनात्मक मूल्य में, जैसे माउंट एवरेस्ट है वो ऊंचा है 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत पर है नेपाल में, कहां पर है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है भारत में नहीं, कहां पर है, नेपाल में। तो ये ऊंचा है तो इस ऊंचाई से अधिक ऊंचे स्थानों की ऊंचाई धनात्मक मूल्य में, जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, और कम ऊंचे स्थानों की ऊंचाई ऋणात्मक मूल्य में, जैसे मरियाना गर्थ 11034 मीटर क्या है, गहरा है, के द्वारा व्यक्त की जाती है। माने कि जो अधिकतम ऊंचाई है सागर से वो हिमालय पर्वत है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, और जो सबसे गहरा क्षेत्र है वो क्या है, मरियाना गर्थ है, इसकी गहराई 11034 मीटर प्यारे बच्चों है। समुद्र बराबर जहां से हमारे देश की जो है सीमा को मापा जाता है बराबर, वह समुद्र जो है समुद्र से पूरी ऊंचाई मापी जाती है। हम लोग पेट भाग जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कितनी ऊंचाई है समुद्र से, है कि नहीं है बराबर। तो वो समुद्र के निचले स्तर वही है, वही समुद्र का निचला स्तर है, वहीं से इसकी दूरी जो है मापी जाती है बराबर। आज समझ रहे, ये रहा समुद्र के विषय में जानकारी, समुद्र के विषय में जानकारी। तो आपको तीन पॉइंट बताएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ऊंचाई से अधिक से ऊंचे स्थान की ऊंचाई धनात्मक मूल्य में मापी जाती है, और कम ऊंचाई वाले जो है मूल्य जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक मूल्य में मापे जाते हैं। हम लोग जब माउंट एवरेस्ट को मापेंगे तो वह धनात्मक इकाई है, और जब नीचे जाएंगे मरियाना गर्त में तो 11034 मीटर क्या हो गहरा है, वह क्या है, ऋणात्मक मूल्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों आप लोगों का सबसे पहले क्या पढ़ाएगा यहाँ पर कि महासागरीय नितर का अध्ययन भौगोलिक कारण है सर। दूसरा है महाद्वीपीय मग तट मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है। तीसरा है कुल सागरीय द्वीप पर्वत श्रेणियों के शिखर होते हैं। चौथा है कि महाद्वीपीय ढाल के बाद महाद्वीपों की सीमा जो शुरू हो जाती है। जो 7 महाद्वीप बताए गए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इनकी जो है सीमा महाद्वीपीय ढाल के बाद शुरू हो जाती है। ये रहा, और उसके साथ साथ समुद्र के विषय में जानकारी यहाँ पर दी गई आप लोगों को। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि जो ज्वार आता है और जो भाटा होता है उसके औसतन जो है दूरी को माप करके समुद्र को जो है दूरी निकाली गई है, शून्य माना जाता है समुद्र को बराबर। ये आप लोगों को यहाँ चार्ट द्वारा समझा दिया गया है बराबर। इसके साथ साथ जो है आप लोगों का तीसरा बागवानी पार्ट जो है पूरा हो रहा है, आप लोग अपना जो है पाठ पूरा करके घर काम जो है आप लोग ग्रुप पर डालिए। आप लोग पहले समझा रहा हूँ, घर काम कुछ ही बच्चे कर रहे हैं, बाकी लोग कर नहीं रहे हैं बराबर। आप लोग जो है अपना घर काम जो है ग्रुप भेजिए जिससे आप लोगों को चेक किया जाए बराबर। आप लोग घर बैठिए, मैम मोबाइल सबके पास है, सब लोग मोबाइल प्रयोग करते हो, इस मोबाइल का प्रयोग अच्छे ढंग से हो ना। इस जो है चैनल को देखो बार बार, इस वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। किताब देखिए, किताब देखेंगे और वीडियो देखेंगे तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ है ये पाठ समाप्त होता है, अगले पाठ के लिए मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।